सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज था हमारा नेक्स्ट डे मैगे में, यानी कि सेकेंड डे, और हम आज मिलने वाले थे एक बहुत ही प्यारे पर्सन से, और वो थी हमारे छोटे भाई की होने वाली मतलब उसकी प्योंसे या मंगेतर, जिसे अभी सगाई होने वाली थी मेरे छोटे भाई की। तो हम लोग मिलने जाने वाले थे, उसे एक कैफ़े में बुलाया था हम लोगों ने। तो वो अपनी फैमिली के साथ आने वाली थी, और हम लोग सारी बहनें, भाभी, मम्मी, सारे लोग रेडी हो चुके थे, क्योंकि हम लोगों ने उन्हें देखा नहीं था। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। और ये देखिए, मेरी दोनों सिस्टर्स और मेरी मम्मी, मेरी भाभी अभी थोड़ी देर में आने वाली थी, और हम लोग यहाँ पर रेडी होकर पहुँच चुके थे पहले ही, और उनके आने का वेट कर रहे थे। वो अपने फैमिली के साथ यहाँ आने वाली थी, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, और उनका इंतज़ार कर रहे थे। बट अभी हम लोग पहले पहुँच गए थे, और पता नहीं वो कब आए, लेकिन टाइम दिया था कि बस पहुँचने ही वाले हैं, और हम लोग काफ़ी खुश भी थे। तो पहली बार मिलना था उनसे, और मेरे छोटे भाई कि जिससे सगाई होने वाली थी वो अभी बस आने वाली थी। तो देखते रहिए पूरा वीडियो और बने रहिए, आगे बहुत कुछ है अभी। तो यहाँ पे हम लोग सारे लोग वेट कर रहे थे उनके आने का। हम लोगों ने कैफ़े में कुछ ऑर्डर भी कर दिया था, बट अभी तक ना ऑर्डर आया था ना हमारे छोटे भाई की होने वाली दुल्हनियाँ आई थी। तो देखते हैं इंतज़ार कितना लंबा होता है। तो ये गाइस, ये यहाँ पे आ चुकी थी हमारे छोटे भाई की होने वाली दुल्हनियाँ, यानी कि उनकी मंगेतर, यानी कि उनके फियांसे। तो हम लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ, तो ढेर सारी बातें हुई हमारे बीच में, और हम लोगों ने बहुत सारी बातें की कि सगाई कब करनी है, कैसे करनी है, क्या होना है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और पहली बार उससे मिलकर भी बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई। तो सब लोग बहुत खुश थे यहाँ पे, और हम लोगों ने बहुत सारी सेल्फी और फोटोज़ क्लिक की उनके साथ। सो गाइस, रेस्टोरेंट से निकलने के बाद हम लोग आ गए थे अपनी भांजी का बर्थडे सेलिब्रेट करने। ये है हमारी भांजी गुनगुन, यानी कि मेरे बड़े पापा की बेटी, जो कि बहुत ही प्यारी है। उसका नाम भी बहुत प्यारा है, और वो खुद भी बहुत ही प्यारी है। तो आज था उसका बर्थडे, और हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे उसका बर्थडे। तो यहाँ पे वो केक काटने वाली थी अभी, और सारे लोग वेट कर रहे थे कि कब केक कटिंग हो। और हम लोगों ने सबने उसे विश किया, बर्थडे विश किया, और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। तो ये देखिए, ये गुनगुन, और अभी बस केक की कटिंग होने वाली थी। बच्चा को कोई नहीं खिला रहा जिसका बर्थडे, वो नहीं खा रही। मैं खिला फोटो उठा।
या मेरा नाती लगता है, नाती, लेकिन हंसता भी नहीं है ना कुछ बात करता। इधर आ, इधर आ, नाम बताओ। शोएब रजा। शोएब रजा, थोड़ा सा हंस के दिखा दो, हंसता तो है नहीं ऐसे। अच्छा बच्चा है, बहुत क्यूट है, आज हल्दी है तो ये भी मस्ती करने वाला है। ये मेरी बहू है, वो अभी बैठ कर खेंगी। सच में ले लिए खैनी ही तो है, क्या है, खैनी ही तो है। क्या गुड्डू अभी फेशियल करा के पूरा धूप में खुले मुंह। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग आपको? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।